प्रयागराज अग्निशमन दल के सदस्यों ने आज पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज के आवास ऑफिस और कैंप कार्यालय के साथ साथ जिला ट्रैफिक पुलिस लाइन को सैनिटाइजिंग का कार्य किया है। कल से सभी प्रकार के छोटे और बड़े विभागों में कार्य होने चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा और इसके कारण आज से ही क्रमागत रूप से विभागों को तैयार किया जा रहा है। वहीं पर कल से धार्मिक स्थलों को भी खोलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते प्रयागराज के सभी धार्मिक स्थलों को साफ सफाई कर का काम शुरू हो गया है और सोशल डिस्टेंसेस का पालन की व्यवस्था और जोर शोर से किया जा रहा है। जहां एक और धार्मिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निशान लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूजा अर्चना करने के लिए सुनियोजित ढंग से व्यवस्था भी हो रही है। हम यहाँ साफ़ सफाई की विशेष ध्यान व्यवस्था रखे हैं और साफ़ सफाई सैनिटाइज करवाएंगे सब जगह पे, और जो व्यक्ति यहाँ आएंगे तो गोला में उन्हें एक एक करके उनको दर्शन भी करवाएंगे और बिल्कुल उनका हाथ सैनिटाइजर और मास्क भी मतलब वितरण करेंगे, और जो नहीं लगाए होगा और जो लगाए होगा उनको करवाएंगे, और साफ़ सफाई धुलाई और गोला में उनके एक एक करके हम दर्शन कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरे आदमी को इकट्ठा मतलब ऐसा घोष देवे, ऐसा प्रावधान नहीं है। हम इनको पूर्ण रूप से मतलब का नाम के सतर्कता से इसका पालन करवाएंगे जी। क्या मांगी है? विशेष पूजा होगी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मंदिर खुलेगा, तो किस तरह की विशेष पूजा होगी और क्या पूजा मांग की जाएगी? बिल्कुल इस महामारी से तो हमें बिल्कुल लड़ना है और भगवान से ही प्रार्थना करना है कि मातेश्वरी इस मैया का नाम करके इस महामारी से हमें निजात मिल जावे। हमारे भक्तों बहुत दुखी हो रहे हैं इसमें और महामारी से जूझ रहे हैं, अब इससे हमें अगर निजात मिल जाए तो माता रानी से हमारा कोई और ज़्यादा वो नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम श्री राधेश्याम गिरी, श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े से हूँ।